हेलो फ्रेंड्स, कुक विद रजनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे से बहुत ही जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट, वो भी घर की चीज़ों से ही हम इस ब्रेकफास्ट को बना के तैयार करेंगे। हल्की फुल्की भूख हो या फिर सुबह का नाश्ता हो, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। घर की चीज़ों से ही हम इसे बना के तैयार करेंगे। तो चलिए डिलीशियस सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही बेल बटन को प्रेस कर दें लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और उसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 कप गेहूँ का आटा। तो वही आटा है जिससे हम रोटियां बनाते हैं। और 1/2 कप सूजी, सूजी आप मोटी या पतली कोई सी भी ले सकते हैं। 1/2 कप ही मैंने यहाँ पे फ्रेश दही लिया है। अब इसी से हम इसमें पानी डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा और ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल के इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। तो अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है, नहीं तो बैटर पतला हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने इसका एक बैटर बना लिया है। आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी। तो अब मैं इस बैटर को 10 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी रेस्ट के लिए, और उसके बाद ही हम इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हम बैटर को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, बैटर अच्छी तरह से फूल गया है, लेकिन बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी हम एडजस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर हमें इस रेसिपी के लिए नहीं चाहिए। तो देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। साथ में ही यहाँ पे मैं 1/2 छोटी चम्मच के करीब जीरा डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लास्ट स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी इनो फ्रूट सॉल्ट। तो यहाँ पर 1 सैशे मैंने पूरा ले लिया है और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जिससे इनो एक्टिवेट हो जाए, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये स्टेप हमें सबसे लास्ट में करना है, जब हम नाश्ते को बिल्कुल बनाने के लिए जा रहे हों। यहाँ पे मैंने एक पैन रख लिया है गैस पे, और उस पर मैं डाल दूँगी 1/2 छोटी चम्मच के करीब ऑयल और उसे इस तरह से फैला लेंगे। बहुत ही कम ऑयल में ये नाश्ता बन के तैयार होगा। और तैयार बैटर से इस तरह मैं बैटर डाल दूँगी। तो जितना बड़ा छोटा हमें बनाना है आप बना सकते हैं। तो आपको इसको फैलाने की ज़रूरत नहीं है, देखिए अपने आप ही ये फैल गया है। और अब स्टेज पे मैं इस पर कुछ सब्जियां डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी शिमला मिर्च ली है, प्याज ली है मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर जिसके मैंने बीज निकाल लिए हैं, और 1 हरी मिर्च। तो सब्जियाँ हम थोड़ी थोड़ी इस तरह से डाल देंगे। झटपट बनने वाला ब्रेकफास्ट है फ्रेंड्स, आप ये ज़रूर ट्राई करें। सब्जियां जो भी आपके पास हो आप इसमें डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है। शिमला मिर्च डाल दिया हमने यहाँ पे, प्याज डाल दी है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं। स्पैचुला से अब इसे थोड़ा सा हम इस तरह से प्रेस कर देंगे, जिससे ये सारा बैटर में चिपक जाए, सारी सब्जियां। और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे 1 से 1.5 मिनट तक। देख सकते हैं नाश्ता हमारा ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब कुछ बूंद ऑयल के हम ऊपर से इस तरह डाल देंगे, ताकि जब हम इसे पलटें तो नीचे से भी अच्छी तरह से सिक जाएगा। और अब इस तरह से हम इसे पलट देंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना प्यारा कलर आया है। और बिल्कुल गेहूं के आटे और बिल्कुल थोड़ी सूजी से ही हमने इस नाश्ते को बना के तैयार किया है। तो 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे नीचे से भी अच्छी तरह से सेक लेंगे। 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं, हम इसे पलट के देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छी तरह से सब्जियाँ भी कुक हो चुकी हैं। तो मैं इसे निकाल लूँगी। तो इस तरह से हम इसे प्लेट पे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं झटपट हमारा नाश्ता बन के तैयार है। इसी तरह मैं अपना सभी नाश्ता बना के तैयार कर लूँगी।
तो हमने यहाँ पे एक टेस्टी और मज़ेदार नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार नाश्ता है, और वो भी गेहूं के आटे से। मिनटों में हमने ये नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। मैं आपको पीछे से भी दिखाती हूँ, एकदम अच्छी तरह से कुक हुआ है और बिल्कुल कम ऑयल में बनने वाला ये नाश्ता है। फ्रेंड्स, आप ये ज़रूर ट्राई करें, और आपकी रेसिपी कैसी बनी कॉमेंट में हमें जाके ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ।